नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते, नमस्ते, कैसे हैं? अरे भाई राजा, भाई राजा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत मुबारक हो बहन की शादी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुबारकबाद और आशीर्वाद तो नंदनी और प्रिंस को ही दीजिएगा। हैं आप बेटा, कुछ लीजिए ना। हैं शुक्रिया। देखो हमने कहा हमारे कुछ खास मेहमान आने वाले जी, जैसे आ जाए हमें खबर कर देना जी। है नमस्ते, नमस्ते, कैसे आप? आइए आइए आइए। नमस्ते, मैं अभी आती हूँ, कैसे हो? नंदनी कहाँ है फातिमा? भी ऊपर तैयार हो रही, आती होगी। नमस्ते, हमारा नाम है जमींदार पदम सिंह। ये जो तुम्हारा बल्लू राजू ठाकुर है ना, बलराज ठाकुर, हमी के बाप हैं, बाप। नमस्ते अंकल। क्या लगता है आपके दामाद आ गए? नमस्ते, वेलकम प्रिंस। चलिए, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। भाई वो दूल्हा ही क्या जो थोड़ा इंतजार ना कराए। चलिए। लो आ गए। अरे आइए आइए कादंबरी जी, प्रिंस सुजीत। अरे कैसे हैं? मुबारक हो, मुबारक। अरे सब यही पूछ रहे थे कि नंदनी के दूल्हे राजा कहाँ हैं। अच्छा आप लोग आ गए, आइए ना, आइए आइए। फातिमा भी देखिए कौन है। जीते रहो जीते रहो, आज तो तुम बिल्कुल चांद से दूल्हे लग रहे हो। अरे आप मेरे साथ चलिए, आप दुल्हन के बिना सबके सामने कैसे आ गए? अरे आपकी और नंदनी की तो स्पेशल एंट्री होगी। चलिए ना। अरे बेटा कुछ दीजिए ना। आइए दीजिए दीजिए, मैं जरा आप लोगों को देख कर आता हूँ। दिखाने ले माँ, आज हमारी नंदनी कैसे राजकुमारी लग रही है। और प्रिंस राजकुमार, अरे यही सपना हम बचपन से देखते आए हैं। ये दोनों एक दूसरे को पाकर खुश हैं, इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? बस तुम दोनों हमेशा खुश रहो, यही हमारी दुआ है। अरे आखिर किससे हुई है नंदिनी की शादी? कौन है ये प्रिंस? पता नहीं कौन है ये, पहले तो कभी नहीं देखा। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, और हो सकता है कोई गवर्नमेंट ऑफिसर भी हो। भाई राजा कोई छोटे मोटे आदमी से तो अपनी बहन की शादी नहीं कराएंगे। मैंने तो कभी ये लड़के को देखा ही नहीं। भाई देखिए ना, भाई राजा कितने खुश नजर आ रहे हैं। भाई राजा आपके खास मेहमान आ गए। चलो नंदनी, अच्छा नमस्ते ब्रिज।
आपके छोटे भाई नहार जी नहीं आए? ये लीजिए, आ गए वो। नमस्ते बलराज जी। नंदिनी की शादी मुबारक हो बलराज। अरे ऐसे कैसे, गले मिलकर मुबारकबाद देनी होगी। जरूर जरूर। तारा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद तो दे दीजिए। आ चलिए, आइए ना, आइए। प्रिंस नंदिनी, आप दोनों को शादी बहुत बहुत मुबारक। भगवान आपकी जोड़ी हमेशा बनाए रखे। आपकी 25वीं सालगिरह पर भी हम आपको यही आशीर्वाद देंगे। ये है नहार जी, ये विजय जी और उनकी पत्नी तारा, ये हमारी फातिमा भी हैं। नमस्ते। बस इन्हें हमारी अम्माई समझिए आप। इन्हें तो आप जानती हैं नीलिमा, और ये मेरा छोटा भाई अंबर, हमारी छोटी बहन गुंजन, और कादंबरी जी और सुजीत जी, और हम हैं जमींदार ठाकुर पदम सिंह। भाई राजा है ना, इस बच्चे के बाप हैं हम। जब आप लोगों ने आने में देर कर दी तो हमें लगा कि आप नहीं आएंगे। जी एक्चुअली आप लोग तो जानते ही हैं हमारे घर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। अगर नंदिनी की शादी की पार्टी नहीं होती तो शायद हम लोग आते भी नहीं। लेकिन बहन की शादी में तो हमें आना ही था। आप सबने हमें इस प्यार के काबिल समझा, इसके बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। अब कुछ तो लीजिए ना। नहीं, 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 नहीं। चलिए कम से कम मुंह तो मीठा कर लीजिए। अरे ये लीजिए, पहले मुंह मीठा कीजिए, बात की बात है बाद में। ये लीजिए। शुक्रिया। सवाल का जवाब देते देते कि ये लड़का किस खानदान से है, क्या करता है। अब अगर तुमसे किसी ने पूछ लिया तो बेटा क्या जवाब दोगे प्रिंस के बारे में? वही जो सच है। Right.
बलराज, बहुत बहुत मुबारक हो। यूं चौंक कर मत देखिए, आखिर आप हमारे दामाद हैं। आप बुलाए या ना बुलाए, मगर आपके घर में आपकी खुशी में और गम में आना हमारा फर्ज भी है और हक भी है। कैसी हो नंदिनी? जी, हम ठीक हैं। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि तुम ठीक। हमारे जैसे परिवार को ठुकराने के बाद चलो, तुम्हें कोई तो मिला जिसके साथ तुम ठीक से रहोगे। तुम्हारे पति को देखने की बहुत तमन्ना थी, जिसके लिए तुमने मेरे पोते को ठुकराया। बलराज, तुमने भरे समाज में मंडप से आर्यन को अपमानित करके निकाला था, याद है ना बलराज? नहीं नहीं, तुम्हें पूरा हक है, अपनी बहन का हाथ तुम किसी के भी हाथ में दे सकते हो। मगर क्या तुमने अपने मेहमानों को बताया है कि अपनी बहन का हाथ तुमने जिसके हाथ में दिया है वो किस खानदान से ताल्लुक रखता है?